सभी राज्यों ने ये सोचा था कि जीएसटी कॉम्पेंसेशन जो है, जो मुआवजा मिलता है उनको, वो 4 साल बढ़ाए जाएंगे। वो नहीं हुआ, जीएसटी कॉम्पेंसेशन बढ़ा नहीं है और सभी राज्यों के वित्तीय स्थिति अभी नाजुक है, खतरे में है। और जो राज्य सरकारों से खर्च होता है, खास तौर से स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में, इस पर इसका बड़ा नकारात्मक असर आपको देखने को मिलेगा। जीएसटी में एक फ्लेक्सिबिलिटी होने की ज़रूरत है ताकि जो महामारी जैसे आपदाएं आते हैं उसे निपटने के लिए राज्यों को कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, वो जीएसटी में नहीं है। और सारे के सारे मामले हम अभी राज्य केंद्र सरकार पर निर्भर हैं। तो ये जो विश्वास था, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की गई थी जब जीएसटी लागू हुआ, वो जीएसटी के कार्यान्वयन में कभी देखने को नहीं मिला है। जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन में हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नहीं देख रहे हैं।